नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन की टीम सहारनपुर के सातों विधानसभा क्षेत्र में लगातार बनी हुई है और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि आखिर माहौल क्या है, सभी वर्गों के लोगों को क्या माहौल है, किस तरीके आने वाले समय विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं, हम इसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पे लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जल सिंह नौटियाल जी। क्या काम करते हैं? नई दुकान है जी मेरी, फास्ट फूड की दुकान है। अच्छा जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? आने वाले विधानसभा में अस्पा पार्टी को जी। भीम आर्मी मुद्दा क्या रहेगा आपका? भीम आर्मी बस अन्य से खिलाफ मिलना, सभी को रोजगार मिलना, बेरोजगारों को मिलना, इंसाफ मिलना, ये मुद्दा रहेगा। तो अभी की जो इस समय की सरकार चल रही है उसमें आपकी जो पिछड़ा वर्ग है उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ रही, तो दूसरे अपनी चला रही है, किसी सुनवाई नहीं हो रही है। दलित वर्ग जो है वो सभी किसके साथ है? समाज पार्टी के साथ। और बहन कुमारी मायावती जी है जो लगातार अपनी इसमें बनी रहती है और ट्विटर पे, वो नहीं, अब जब उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, पहले से आते थे थोड़े बहुत, अब तो वो भी बहुत उसके बीजेपी के साथ में जुड़ना चाह रही है, बीजेपी के साथ में जुड़ना नहीं है, बीजेपी से हट के बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, वो बीजेपी लाना चाह रही है, बीजेपी से हट के हटाना है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? करम सिंह जी। क्या काम करते हो आप? मोची का। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? हम तो बहुजन को करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को। हा? तो अभी तो पिछले बता रहे थे कि आजाद समाज पार्टी को करेंगे, वो अलग है। तो बहुजन समाज पार्टी के से प्रेरित है आप, क्यों बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट करना चाहेंगे बताइए? तो हम अपनी समझ है, अपनी समझ है। ये देखिए कुछ लोग बहुजन के भी है और यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। आज विधानसभा नकुड़ के अंदर हम हैं, यहाँ पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, किस तरीके का, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे यहाँ के लोग। आने वाले विधानसभा में 6-7 महीने बाद चुनाव है, लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका रुझान क्या है। जी बताइए, और क्या नाम है आपका? नाथीराम है बाबू। नाथीराम जी जी, क्या काम करते हो नाथीराम जी? भाई मैं तो मजदूर किस्म का आदमी हूँ जी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? भाई ये तो वक्त के हिसाब से ही बात की जाएगी वैसे तो, लेकिन फिलहाल जो है अभी कोई खास रुझान नज़र नहीं आ रहा कि इधर किस रुख हवा चलेगी, तो हवा के हिसाब से ही काम किया जाएगा। नहीं, हवा के हिसाब से बहना चलना तो गलत है, जो चुनावी मुद्दे हैं अभी हमारे जो मेन समस्या है उन समस्याओं को लेकर वोट करेंगे ना। हाँ, बात तो सब समस्याएं के आधार पर तय की जाएंगी। रोजगार है, जो युवाओं को रोजगार की बात है, रोजगार की बात की जाए, दूसरे बच्चों की शिक्षा की बात की जाए, कोरोना काल में इस तरीके से बच्चों का घर रहना है, ये इस तरीके के जो माहौल बनता चला गया उसके बारे में क्या राय है आपकी? राय तो ये है कि मतलब जो है सभी समस्याएं तो सभी के साथ रही, ऐसा कोई बात नहीं, ये तो समस्या तो आती जाती रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं, अभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जी बीजेपी, ये 4-5 पार्टी हमारे क्षेत्र में उभरी हुई है, तो इसमें सभी कैंडिडेट आते हैं अपने उसके लिए, तो उनमें से आपके लिए बेहतर कौन सी पार्टी रहेगी? पार्टी तो ये मामला है कि मतलब वर्ग जो है वर्ग अपने आधार अपने हिसाब से चुनते हैं, मतलब जो पार्टी को, अब वर्ग तो आप समझ सकते हैं अनुसूचित वर्ग जो है वो किस लेवल का है और किस वर्ग को जाने की चांस है उसके, वो तो बात ठीक है। अभी बहन कुमारी मायावती जी है, चंद्रशेखर आजाद जी है, तो इसमें वोट का, दलित वोट का बंटवारे का अंदेशा दिख रहा है, तो जो उसका ये कुछ देखते हुए जो है कुछ हवा बदल भी सकती है, संजय अगर जाएगा तो चांस जो है वो समाजवादी के रूप को होगा। तो चलिए कुछ लोग और मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? नाम धर्मेंद्र है जी। अच्छा जी, ट्रैक्टर चलाते हो आप, आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट करोगे आप? भीम आर्मी वाले को। भीम आर्मी को। अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार के लोग हैं, कुछ एक युवा भी है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। एक चाय की चौपाल है यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हम मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, युवा है, आखिर आने वाले चुनाव को लेकर युवाओं का क्या रुझान है। जी क्या नाम है आपका? सुशील सागर जी। क्या करते हो? मजदूरी जी। पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई की जी। पढ़ाई के बाद मजदूरी जी। अच्छा जी, मजदूरी का ऑप्शन क्यों चुना आपने? बस जी, आगे हिम्मत नहीं थी पढ़ने की। और देखिए खासकर युवाओं की ये समस्या है, दलित परिवार से जी। अच्छा, देखिए ये लोगों की समस्या है, एक युवा है, इंटर के बाद मजदूरी का ऑप्शन चुना, आखिर समस्या क्या थी कि क्यों मजदूरी का ऑप्शन चुना, ये सवाल बनता है। नहीं, 50-50 मार्क उनके पास। ये देखिए कुछ गांव के, ये अब्दुल्लापुर आहड़ी गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले ये जी, ये गाठेड़ा के। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, क्या काम करते हो? मैं तो
गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है आप जी। हाँ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके कुछ नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, आप तो एक एम्प्लॉयज है, आप तो बोल सकते, कह सकते हो क्या बात, ये भी कुछ नहीं, वक्त आने पर पता लगेगा क्या होगा। नहीं पता तो लगेगा, जो जमीनी हकीकत से जुड़े मुद्दे हैं उनको तो आपको पता है, आप तो एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आपको तो पता है कि भाई हकीकती मुद्दे, जमीनी हकीकत के मुद्दे क्या है, अभी माहौल क्या है बाहर, यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? बस हफ्ते में एक आध बार आऊँ छुट्टी में, एक आध बार कभी। कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हो आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, अरे ये भी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, माहौल क्या है आखिर, यही तो बात कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी आऊँ, मुझे नहीं पता। अरे जहाँ रहते हो वहाँ का तो माहौल पता होगा आपको। वहाँ का नहीं पता अभी कुछ, पब्लिक का क्या माहौल बनेगा। नहीं जैसे अभी चौपाल है यहाँ कुछ लोगों के, बस इनके विचार जैसे आप ले रहे हैं, हम भी पूछते रहे क्या हो रहा है ना, हमें आप एम्प्लॉयज है, आपके भी विचार चाहिए। बस वो तो पता नहीं वक्त पर कौन उभर का आएगा, उभरते के साथ रहेंगे सभी। उभरता मतलब अगर कुछ मुद्दे उठा दिए, एक धर्मनिरपेक्ष जो मुद्दे उठते हैं धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसको लेकर उठ करोगे आप? नहीं देखेंगे, अभी तो वक्त आने पर क्या होगा। आप हवा की बात करें ना, हवा के आधार पर बहना तो गलत चीज है ना। पार्टी सांप्रदायिकता के माहौल को बढ़ाने की कोशिश करेगी, उनके साथ तो हम ऐसा कर नहीं सकते, समझौता कोई समझौता नहीं। कैंडिडेट के साथ होगा, जो अच्छा कैंडिडेट है। पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी नहीं, कैंडिडेट के साथ। कैंडिडेट के साथ अगर कैंडिडेट फिर वो है कि पार्टी कोई सत्ता में कुछ हो रहा है, और हमारा कैंडिडेट जो आपका जीता हुआ होगा अपने क्षेत्र में तो काम करेगा, काम वहाँ से मिलेगा ना उसको ऊपर से। हाँ, नहीं वो तो अब विधायक कोटा तो आएगा ही उसका। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोटा तो आएगा, फिर वो कहेगा सर्व समाज को लेकर चलेगा, विधायक जो होगा उसकी, विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें उसके कहते हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोगों को यहाँ की सिचुएशन का पता होता है, हम इनसे पता करेंगे कि यहाँ विधानसभा नुकुट में इनके यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ का माहौल तो सब सही है, ये वक्त ही बताता है, क्योंकि ना जैसे आप कह रहे थे कि भाई धर्म सिंह सैनी ने यहाँ कुछ किया है, हमारे गांव में तो कोई क्षेत्र, कोई समाज, कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है जी। और अब रही हमारी बात, अब वो जैसे पूछ रहे कि रुझान किस पार्टी से चलना, किससे नहीं चलना, पार्टी से तो हम बहुजन से जुड़े हुए हैं, सदा बहुजन के ही रहेंगे, चाहे हमारे पास पार्टियाँ कितनी बदलती रहे ना बदलती रहे, लेकिन हम तो बहुजन के ही हैं। देखिए एक सवाल यहाँ से निकल के आया कि बहुजन के रहेंगे, और अभी सवाल जो लोगों के पिछले लोगों के थे वो कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती, जो बहन कुमारी मायावती जी है, वो बीजेपी से गठबंधन कर रही है, उस पर लोगों की कुछ प्रतिक्रिया थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो वो तो ये एक हो गया जैसे पार्टी बेस पर, जैसे हम अब उसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर तब वही गठबंधन कर रही है तो हमारी तो मजबूरी बनेगी, हमारी मजबूरी बनेगी कि हमें तो उसे वोट देना ही देना है। तो फिर गठबंधन का प्रत्याशी जो आएगा बीजेपी का और उसका बहुजन समाज पार्टी का, फिर वही फंस जाएंगे फिर तो? नहीं वहाँ क्यों फंसेंगे, क्यों फंसेंगे? विकास के नाम पर जैसे कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी बीजेपी से थे, उन्होंने विकास, तो देखो जैसे ये तो राजनीतिक चलती है, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि हम इतने वो करेंगे। पढ़े लिखे की बात, मैं जमीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की बात कर रहा हूं, आखिर आप किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे? उन मुद्दों को लिए तो अभी हमारे यहां से हमारे गांव का जो है ना, हमारे यहां तो ये है ना भीम आर्मी की ज्यादा है फिलहाल के लिए, बस अगला मुझे क्या पता क्या होना है क्या नहीं। आपके भीम आर्मी के उससे आप पर भीम आर्मी का ज़्यादा कुछ करेज दिखने को मिल रहा है सहारनपुर के अंदर भी, और वैसे भी जो जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं उनको उठाकर लेकर चल रहे, उठा तो रहा है बहुत, इसने उठा रहा है कि कौन उठा रहा है, ये क्या नाम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने तो बहन कुमारी मायावती के साथ समर्थन से मना कर दिया, तो ना करे जाओ उसे, इसमें क्या हो? तो आप तो बहुजन को वोट करेंगे फिर? हाँ बहुजन को वोट तो करना ही, अरे फिर बंटवारा हो जाएगा वोट, फिर बताएगा क्या हो? ये देखिए आखिर माहौल यह है कि कुछ लोग बहुजन के हैं, कुछ समाजवादी से हैं, कुछ आजाद समाज पार्टी से, अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है लोगों के, और ये विचार मिलते जुलते यही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। मतलब 10 में से 5 नंबर आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही, वो किस लिए दे रहे हैं? इसीलिए कि मतलब जो है समाज वर्ग जो है ये बटा हुआ है। नहीं वो बटा हुआ तो है, आप डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को काम के नंबर दे रहे हैं, मोमडन वर्ग भी बटा हुआ है और दलित वर्ग भी बटा है, जो बात है वो तो बात ठीक है, आपकी बात जो कह रहे हैं कि वो बटे हुए हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर आपके क्षेत्र के जो मंत्री रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, उनको उस विकास में से कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से? आप विकास के तौर पर तो मतलब जो है वो 0 है, ये बात सही है। और बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी भी तो उनके पास वो सब खत्म ही है उनकी, वो तो हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जो एक ये एक चौपाल है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, हम इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका माहौल क्या है, कि मुस्लिम जो वोटर है उनके मन में क्या चल रहा है।
मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनका रुझान तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। माननीय अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने काम भी बहुत करे विकास के अतबार से, बच्चों को उन्होंने लैपटॉप वगैरह और सारी चीज़ें इन्होंने ये दी हैं, और जी बीमारों के लिए उन्होंने एक सेवा चलाई थी, उन्होंने एम्बुलेंस उनकी एक 108 नंबर। जी खान साहब, आपने विकास के नाम पे बात बताई अभी कि इतने काम किए, सब कुछ काम किए, मुस्लिम जो है वो रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, पर जो मुस्लिम यूपी के अंदर मुस्लिम लीडर सबसे बड़े माने जाते हैं आजम खान, आपके खान बिरादरी से आजम खान अंदर है, उनके उसके उसमें किसी पार्टी के बड़े नेता ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो मुकदमे लेकर वो बीमार हैं, उनकी सिचुएशन काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो मुस्लिम लीडर है वो बीजेपी मतलब जैसे ये मोमडे लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि भाई आजम खान जी की उसमें ये सामने नहीं आ पा रहे, वो कुछ प्रेस है उनके ऊपर भी, वो इसलिए सामने नहीं खुल पा आ पा रहे, और यही राजनीतिक लेवल जो है आजकल, मतलब आजकल बीजेपी सरकार का भी दबाव है, कुछ ऐसे हिसाब की भी है, ऐसे ही दलित समाज का भी मामला है, वो भी इसलिए खुल कर नहीं सामने बात कर सकते क्योंकि पार्टी जो है वो बीजेपी की सत्ता में है। जी क्या नाम है आपका? सलोखी जी मेरा नाम है जी। सलोखी जी क्या काम करते हो? अजी बस पटाठा ली भैंस की रखवाली। अच्छा जी, तो सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है आपको? पूरा जी फुल। क्या काम लाभ मिल रहा है? अजी लैटरिंग भी मिल गई। अच्छा जी, कोठे का नाज भी मिल गया, हर जी खातों में पैसे भी आ रहे, हर जी ये कोरोना के टीके भी लग रहे। और चलो ये देखिए विकास के नाम पर आप कौन सी पार्टी वोट करोगे? भाजपा को जी, बीजेपी। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं, इनका कहना है कि राशन फ्री मिल रहा है, वैक्सीन फ्री मिल रही है, और जो योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है, तो सही क्या नाम बताया आपने अपना? सलोखी जी। तो अभी ये जो इतने लोग बैठे हैं इनकी अलग अलग राय है, किसी से जुड़ता है, किसी से जुड़ता है, तो आप जो आपके मान्य अभी आपके क्षेत्र से मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उन्होंने आपके क्षेत्र में आपके उसमें कुछ विकास किया है? बहुत बेहतरीन कराया जी। क्या विकास किया? नहीं मेरा मतलब यह कहने का, अब भैंस नवे दूध हो मानोगे, हर उलवारू देगी, हर उसका दूध पीवाएंगे फिर 3 साल भैंस का, तो जो भी मंत्री आ जो भी सरकार आई, हम तो गरीब लोग जो के तू ही। अच्छा। पेट भर रोटी खा रहे, हमारी दिहाड़ी लग रही है, हमारे लिए सारे बढ़िया। अब आप ही अभी तो कह रहे थे बीजेपी बढ़िया, आप सारे बढ़िया कैसे हो गए? नहीं मैं भाजपा को बढ़िया बता रहा हूँ। विचार है, अरे आप विकास के नाम से प्रेरित है या बीजेपी के नाम से प्रेरित है ये बताइए, भाजपा के नाम से प्रेरित है? अजी भाजपा के नाम से प्रेरित है जी, हम उसमें जी रहे, हर राशन खा रहे फ्री का। कह में जी रहे हो? अजी घर में है कड़ियों वाला। अच्छा, तो वहाँ आपको फ्री राशन मिल रहा है? फ्री राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है? देखो जी सरकार कोई भी आवे, हमें तो मजदूरी करनी है, खानी नहीं। ये जो लोगों के मुद्दे हैं जुड़े हुए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, वह इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई जी वो अपने बारे में, वो गन्ने के बारे में कर रहे होंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे, गेहूं के मारो, चावल के मारो, दाल के मारो। तो ये आपको मालूम होगा यूपी के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70% आबादी जो है, अगर इनका 2000 रुपये अनाज बिक रहा तो हमें वही 5 किलो मजदूरी में भी मिलेगा, अगर हम इनके खेत में करेंगे तो हमें 300 रुपये देना भी कोई गवारा नहीं करता, जोर पटे पर मिले, हमें तो मजदूर हैं हम तो। तो आप किसानों के साथ नहीं है? ना जी बिल्कुल नहीं है। चलिए अलग अलग विचार है, पर एक बात देखी जाए तो खेत में किसान, सीमा पे जवान, ये तो मान के बात है, तो किसानों की गेल है, बगैर करो तो हमें कोई देता ही नहीं, बगैर करो तो कौन किसे मिलता है? ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, अलग अलग विचार के लोग हैं, काफी अलग अलग विचार है, और लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। नहीं ये ठीक है।